हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथी की वन ऑफ द रेमेडी है जो एक्यूट केसेस में यूज़ होती है और जनरली हम उसे अवॉइड करते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन लेस एकोनाइटम नेबुलस। सो आज ही रेमेडी जो है इसकी हम पूरी ड्रग पिक्चर, यानी कि ये रेमेडी किन पेशेंट्स पे ज़्यादा एक्ट करती है और किन केसेस में और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, वो ओवरऑल हम जान लेंगे थ्रू सम निमोनिक्स। अगर हमें ये निमोनिक्स याद हो जाएंगे तो हमें पूरी ड्रग पिक्चर ईजिली याद हो जाएगी, वो भी विद इन 5 मिनट्स। सो जस्ट स्टे फोकस्ड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये रेमेडी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम है इसका मॉन्गसूट, क्योंकि इसका फ्लावर समवॉट हुड, यानी कि एक टोपी की तरह एक अपीयरेंस देता है, वो भी मॉन्ग्स की, यानी कि जो प्रीस्ट होते थे पहले के टाइम के, उनके हुड्स की तरह ये अपीयरेंस देता है ये फ्लावर, तो इसीलिए इसका नाम है मॉन्ग्स हुड। वुल्फ्स बेन और दूसरा नेम होता है इसका वुल्फ्स बेन, क्योंकि इसका जो पॉइजन होता है वो एक एरो पे लगा के, यानी कि तीर पे लगा के वुल्फ्स का शिकार किया जाता था, इसीलिए इसका नाम वुल्फ्स बेन भी है। तो दो कॉमन नेम है, मॉन्ग्स हुड एंड वुल्फ्स बेन। नेक्स्ट बात करते हैं कि फैमिली इसकी रेनन्क्युलेसी है और इसका प्रूवर सैमुअल हैनिमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये मेडिसिन स्किन पेशेंट्स पे ज़्यादा एक्ट करेगी। ज़्यादातर ये जो मेडिसिन है ये उन पेशेंट्स पे एक्ट करती है जो प्लेथोरिक होते हैं, यानी कि फुल ऑफ ब्लड होते हैं, यानी उनमें अच्छा खासा मतलब रेडिश बबली चबी चबी टाइप लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सैनगुइन टेम्परामेंट, यानी कि हैप्पी गो लकी टेम्परामेंट होता है, यानी कि उन्हें ज़्यादा किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता या वो ज़्यादा किसी बात को अपने दिल पे नहीं लेते, दे आर ईजिली चिलगो पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये मेडिसिन एक्यूट केसेस में ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। ए इज़ फॉर एकोनाइटम नेबुलस एंड ए इज़ फॉर एक्यूट केसेस एंड देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल बैठे रहने वाली ज़्यादा होती है, लाइक ऑफिशियल वर्क वाले लोगों की ज़्यादातर उनका लाइफस्टाइल या डे उनका बैठे रहने में गुजर जाता है, तो उनमें ये मेडिसिन ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की। तो जैसे कि इस मेडिसिन का नेम है एकोनाइटम, तो इसकी मेडिसिन के मेंटल सिम्टम भी हमने एकोनाइटम के ही उसे निमोनिक्स बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ए इज़ फॉर एन्जाइटी। इस पूरी मेडिसिन में ओवरऑल एन्जाइटी बहुत मेन है, यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है वो मेंटल सिम्टम्स के साथ आता है जिसमें, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट कोई भी कंप्लेन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एन्जाइटी के लिए हमारे पास आता है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन समवॉट इसकी तरह है और अदर, और हम आगे जाते जाएंगे कुछ मेंटल सिम्टम्स उसके मैच होते हैं या जितने ज़्यादा उसके सिम्टम्स मैच हो सकते हैं ये मेडिसिन उसको ईजिली वर्क करेगी, तो एन्जाइटी के केसेस में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट सी इज़ फॉर कामनेस कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि वो बिल्कुल भी काम नहीं रह सकते, और क्लैरिवॉइंस यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टिव नेचर के होते हैं, वो इतने ज़्यादा प्रेडिक्टिव होते हैं लाइक वो अपनी डेथ का टाइम भी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि दैट आई एम गोइंग टू बी डेड ऑन दिस डे ऑन दिस टाइम, और वो अपने जितने भी आस पड़ोस या फिर अपने जो करीबी लोग होते हैं ना उनसे अलविदा मांगने लग जाते हैं कि अब मेरा अंत करीब है और मैं इस दिन मरने वाला हूँ, सो तो क्लैरिवॉइंस बहुत ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट ऑन ओ इज़ फॉर ऑन गोइंग फियर, यानी कि फियर इस पूरी रेमेडी में रन करता ही जाता है, उस पेशेंट को बहुत फियर होता है, हर एक चीज़ को लेके फियर होता है, ठीक है। इस फियर में वो उसको डर रहता है, उसकी डेथ का फियर रहता है, ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं ना उनमें ऐसा लगता है ड्यूरिंग डिलीवरी वो मतलब उनकी डेथ हो सकती है, तो फियर ऑफ डेथ रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड देन एन इज़ फॉर नैश ट्राइज ऑफ रेस्टलेसनेस, यानी कि रेस्टलेसनेस की ट्राइज़ में से ये एक रेमेडी, यानी इसका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहेगा, ठीक है, रेस्टलेसनेस है कभी इधर कभी उधर, ठीक है। एंड देन आई इज़ फॉर इंटेंस एंग्विश एंड वरी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहेगा, हर वक्त सोच विचार। अब आप ये सोचोगे कि हमने सैनगुइन टेम्परामेंट पढ़ा था हैप्पी गो लकी, बट अब इसके मेंटल सिम्टम्स में आ रहे तो कहीं से एंजाइटी मिल रही है, कहीं ये रेस्टलेसनेस है, कहीं एंग्विश, कहीं वरी, तो ये मतलब साइमल्टेनियसली चलता है, ठीक है। समवॉट पेशेंट शो कर रहे सैनगुइन टेम्परामेंट है दैट हाँ मैं खुश हूँ मुझे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप इनसाइड उसके मेंटल्स में ये सारी चीज़ें रन ऑन कर रही होती हैं, ठीक है, जिससे कई बार पेशेंट भी अनअवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंशन, टी इज़ फॉर टेंशन, टेंशन में और वो टॉसेस अबाउट इन एगोनी, यानी कि दर्द में वो यहाँ से वहाँ कभी इस करवट लेता है कभी इस करवट लेता है, और टेंशन बहुत रिमार्क्ड है इस मेडिसिन में, ठीक है। देन यू इज़ फॉर अनकंट्रोलेबल फियर, लाइक अभी हमने बात किया कि फियर उसमें रन ऑन करता है, बट दैट इज़ टू अनकंट्रोलेबल फियर, फियर ऑफ डेथ, डेथ की फियर भी इस तरीके से कि वो अपने मरने की डेट और टाइम तक
फिक्स कर लेता है, बता देता है लोगों को कि लाइक मैं अब मरने वाला हूँ, ठीक है। दो वो उस टाइम मरता नहीं है, बट दैट फियर ऑफ डेथ मेक्स हिम टू डू ऑल दिस प्रेडिक्शंस। देन एम इज़ फॉर म्यूज़िक मेक्स हर सैड और मेक्स हिम सैड, यानी कि ज़्यादातर म्यूज़िक आजकल की जनरेशन में होता है कि ज़्यादातर अगर आप कुछ भी आपको तकलीफ होती है या कुछ भी होता है, आप म्यूज़िक को उससे कोरिलेट करने लग जाते हो। अब वो म्यूज़िक जहाँ बजता है उसको वो तकलीफ़ और वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती है, तो म्यूज़िक मेक्स सैड। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गाइडिंग सिम्टम्स की। तो गाइडिंग सिम्टम्स का निमोनिक्स हमने रखा है फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे में एफ इज़ फॉर फियर। फियर अभी हमने बताया है कि मेनली इसके मेंटल सिम्टम्स में भी फियर चल रहा है, और गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो किन बेसिस, मतलब कौन से ऐसे मेन सिम्टम्स होते हैं कि जिस पे आप इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करो, तो ऑब्वियसली बात है उसमें फियर तो आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैंने आपको बताया था कि उस लेडी को फियर ऑफ डेथ हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, नाउ आर इज़ फॉर रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस तो इसमें रहेगी। आई इज़ फॉर इनटॉलरेबल पेन, यानी कि पेन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी तो वो टॉसेस होता है अबाउट इन एगोनी, यानी कि दर्द में वो यहाँ से वहाँ पलटता रहता है, ठीक है। डीज फॉर ड्राई कोल्ड एयर, ड्राफ्ट्स ऑफ कोल्ड एयर कॉजेस प्रॉब्लम्स, यानी कि उसको कोई भी ठंडी हवा, तेज़ ठंडी हवा, फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है वो शाम को या सुबह सुबह ठंड में बाइक से निकल गया, अब उसको ये तेज़ हवा उसके फेस पे लगी और उससे उसके बाद उसको स्नीजिंग, रनी नोज और फीवर हो गया, तो यानी कोई भी ड्राई कोल्ड एयर, यानी कि ठंडी हवा से अगर उसको इफेक्शंस हो जाते हैं, यानी ठंडा हवा लगने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये मेडिसिन ज़्यादा बेटर एक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ ए, ए इज़ फॉर आफ्टर फ्राइट एमनोरिया एंड प्लेथोरिकल्स, यानी कि प्लेथोरिक यानी कि फुल ऑफ ब्लड चबी गर्ल्स जो होती हैं उनमें अगर किसी तरह का ये देखा जाए कि कोई डर पैदा हो जाए या फिर उन्हें किसी बात से डर लग जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बहुत ही स्केरी मूवी देख ली, अब उसके बाद उन्हें एमनोरिया हो गया, ठीक है, यानी कि मेंसेस अब नहीं आ रहे हैं, तो उनमें ये मेडिसिन ज़्यादा बेटर एक्ट करती है। और फ्राइट किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, किसी एक इंसान का डर हो सकता है उसे, या किसी एक एनिमल का डर हो सकता है, अब वो उस सिनारियो को फेस नहीं करना चाहती, उस चीज़ को नहीं देखना चाहती, या उसके लिए वो एक बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है। नाउ दैट ये पेशेंट इतना डर चुकी है दैट इसका जो फ्राइट है, फ्राइट का जो सिम्टम है वो इसके फिजिकल्स पे भी इम्पैक्ट डालने लगा है, ठीक है, अब वो एमिनोरिक हो गई, तो उन केसेस में अगर ये मेडिसिन दे तो एमिनोरिया सबसाइड हो सकता है, ठीक है। ना वाई इज़ फॉर यंग पर्सन्स, यानी कि ये मेडिसिन यंग पर्सन्स में एक्यूट केसेस में ज़्यादा एक्ट करती है, ठीक है। एस इज़ फॉर सैंग्विन टेम्परामेंट, यानी कि हैप्पी गो लकी टेम्परामेंट है। ए इज़ फॉर, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट ऑलवेज हैप्पी गो लकी रहेगा या पेशेंट ऑलवेज ग्लूमी रहेगा, नहीं, समटाइम्स पेशेंट इज़ लाइक दिस और समटाइम पेशेंट इज़ लाइक एंग्शियस है, फेयरफुल है, ठीक है, और रेस्टलेस है, तो ये साइमल्टेनियसली ऑन एंड ऑन चलते हैं ये सिम्टम्स एक दूसरे के साथ, ठीक है। नाउ ए इज़ फॉर एग्रावेशन, एग्रावेशन पेशेंट को ज़्यादातर इवनिंग और नाइट में होती है इस मेडिसिन में, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर इसके कंप्लेंट्स कब बढ़ेंगे, जब रात हो रही हो या शाम हो रही हो, ठीक है। टी इज़ फॉर ट्विचेस एंड कन्वर्जन्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं अब वो जब वो टीथिंग प्रोसेस तक पहुँचते हैं, टीथिंग एज तक पहुँचते हैं, तो टीथिंग के टाइम पे उनको ट्विचेस या कन्वल्सिव अटैक्स आते हैं, तो ये मेडिसिन बेटरली एक्ट कर सकती है, ठीक है। यू इज़ फॉर अनक्विंचेबल थर्स्ट, यानी कि इस पेशेंट को इतनी प्यास लगती है कि जो बुझाए नहीं बुझे, ठीक है, लाइक वो पानी पी रहा है फिर भी उसे प्यास लग रही है, ठीक है। देन आर, आर इज़ फॉर रेड फेस बिकम्स पेल वाइल राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजिशन, यानी कि लेटे हुए पोजिशन से जब पेशेंट उठ के खड़ा होता है तो उसकी फेस जो होती है रेड से पेल हो जाती है, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं एग्रावेशन एंड एम्बलेरेशन की। एग्रावेशन यानी कि ये मेडिसिन कब कब देंगे, जब एग्रावेट होगा अगर पेशेंट इवनिंग के टाइम एग्रावेट हो जाए कंप्लेंट्स, या नाइट के टाइम, या फिर एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, यानी कि हवा के एक झोंके से उसको इतनी तकलीफ में बढ़ने लगी, या वार्म रूम से, तो ये मेडिसिन बेटर एक्ट करेगी। और उसे एम्बलेरेशन यानी आराम कैसे आएगा, ओपन एयर खुली हवा में, लाइंग ऑन बैक, ठीक है, लाइंग इन बेड और सिटिंग पोजिशन में, ठीक है। तो ओवरऑल इस मेडिसिन को आपको याद करने के लिए सिर्फ याद रखना है मेंटल सिम्टम्स में एकोनाइटम एंड गाइडिंग सिम्टम्स में फ्राइडे सैटरडे, दैट्स इट। और अब आप अगर इसका सोर्स याद रखेंगे तो आपको कॉमन नेम इजीली याद हो जाएगा, वुल्फ्स बेन एंड मॉन्क्स हुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।